तो हे YouTube फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो बता दिया, चलो अच्छी बात है। आज तो बहुत लेट हो गया यार, अभी बज रहे हैं 4:37। ये देखो, आज थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि धूप आज बहुत ज़्यादा था, धूप भी, और कल मैं थक भी गया था बहुत। और क्या है यार, अकेले रहो तो सब काम भी करना पड़ता है ना यार, तो काम भी बहुत सारे थे तो इसलिए थोड़ा सो भी गया था। अभी थोड़ा देर पहले ही मैं 4 बजे सो के उठा। तो आज अपन कहाँ चले? तो आज मैं सोच रहा था कैसे थोड़ा बिलासपुर के आसपास का जो भी गांव गाँव है वो थोड़ा घूम के आते हैं, नेचर का मज़ा लेते हैं आज। तो तैयार व्यार तो मैं हो गया हूँ, तैयार होकर ही बैठा हूँ, तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और अभी थोड़ा धूप कम है, दोपहर में तो बहुत, यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलो चलते हैं जहाँ भी, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कहाँ जाना है, लेकिन चलो। तो ये हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। अब देखो यार, गाड़ी में घूमने के लिए तो पेट्रोल तो लगता है, गाड़ी पानी से चलता नहीं है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे कहाँ? पेट्रोल पंप देखते हैं। हाँ, ये आगे पेट्रोल पंप है, जाते हैं पेट्रोल भरवा लेते हैं। पेट्रोल भरा के चलते हैं अपने सफर में। पेट्रोल भरवा लिए, हम नाइट्रोजन हवा भरवा रहे हैं। गाड़ी का केयर करना भी जरूरी है जैसे हम अपना केयर करते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुटलू। हाय बोलो। हाय। तो कैसे हो गुटलू? बढ़िया हो, एंजॉय कर रहे हो? ये हमारे गुटलू भैया, बिलासपुर के डॉन। तो गुटलू भैया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं तिरकोना। हाँ, क्या अब मैं अकेला था, गुटलू भैया भी बोले हमको भी जाना, तो बोले चलो गुटलू भैया। क्या दिन, और गुटलू भैया पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? सब चल रहा है। गुटलू भैया स्कूल क्यों जाते हैं आप? पढ़ने के लिए जाता हूँ। पढ़ने के लिए जाते हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड भी है ना गुटलू भैया? आप तो बता रहे थे भैया एक तो गर्लफ्रेंड है भैया। नहीं है, चूतिया बना दिए भैया। गुटलू भैया मजाक कर रहे हैं, उनकी दो ठो गर्लफ्रेंड है ना भैया? गुटलू भैया शर्मा गए। चलो गाइस आगे चलते हैं। पहुंच गए, कहाँ नाम है गुटलू भैया जगह? पथर्रा जगह है। पथर्रा काहे पत्थर, भयानक पत्थर है ही पर? बहुत पत्थर है, भयानक लगत है, पानी के साथ साथ बह बह के टाइप से कोई माहौल है का? हाँ। अच्छा, दिखा दे। दिखा दो पूरा। ठीक है, आप आदेश दे दिया तो दिखा देते हैं। ठीक है भैया, चलिए गाइस, गुटलू भैया आदेश दे दिया, दिखा देते हैं आपको। ये हम लोग यहाँ चाचा से मिले, तो चाचा कैसे हैं आप? सब बढ़िया बढ़िया भैया। अब यदि पानी वानी मन मस्त हटावा थे। अच्छा, गर्मी के कारण सूख गई थी? हाँ, सूख गए। और बरसात में कैसे रहे चाचा? बरसात तो मस्त, यहाँ ले पानी रही थे भैया एकदम लबलबा के पूरा वहाँ तक चल रहे थे। अरे वहाँ डूब जाते? हाँ, डूब जाते। चाचा आप मन तो एकदम डूबू के नहाथन, मच्छी एकदम चड्डी पहन के, चड्डी पहन के, चगली मोगली मोगली ऐसे करके। ठीक है चाचा, भयानक चाचा। और चाची कैसी है चाचा? चाची खत्म हो गए भैया। अरे कैसे चाचा? कम से कम बोला 6 साल हो गए हार्ट अटैक। अरे माँ, तीन बच्चे, 4 बच्चे हवा, 3 गुड्डू, 1 नोनी। अच्छा, एक गुटलू भैया, गुटलू जाए बड़ा बड़ा के खर से छोटा? बड़े है, बड़े लड़का। अच्छा, एक गुटलू 19 साल के। गुटलू भैया तो लड़की चक्कर में बर्बाद हो गए, समझा ना चाचा के। मजा भैया, क्रीम पाउडर लगा के पूरा तो लूट ली। कैसे लूट ली? चाचा भी बचपन में लूटा है किसी चाचा? बहुत लूटा है भाई, भयानक ना। प्रेम के चक्कर में अपन डौकी लेके कभी भूल गए। डौकी लेके आ रहे जब हो सही सब चीजें बिखर। यही बार सब करना पड़ते है चाचा। जगह मतलब बहुत अच्छा जगह? कैसे मस्त जगह? अभी नहीं, बरसात में आया कर तब मस्त मौसम रहते भाई, झरना कसना है पूरा धक 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 लबलबा के ना। वहाँ से मस्त वो पटका बीला ले निकला। अच्छा, वहाँ से एक नंबर दिखते हो लंग हमारा, ऐसे किंदर थे पानी। अरे बाबा, ठीक है चाचा। हाँ।
कुटाघाट से आता है और अरपा में इधर से कुटाघाट से आता है और अरपा नदी में जाता है ये पानी। और बरसात में अच्छा है यहाँ घूमने लायक, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का लोकेशन कितना प्यारा है, बहुत सारे पत्थर यहाँ पर आके फोटोशूट भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, बिलासपुर से पास में ही है, 20 किलोमीटर की दूर, 10-15 किलोमीटर के आसपास है। भतराई रोड से आपको आना पड़ेगा अंदर, तो फिर ये लोकेशन आप देख सकते हैं। ये भैया हमको यहाँ मिले, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखी राम। भैया का नाम है सुखी राम, बहुत खुश रहते हैं, सुख भी है इनके जिंदगी में। तो भैया हम लोग अभी लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं भैया? हाथी पथरा दिखाने के लिए। हाथी पथरा, तो अभी हम लोग भैया के साथ जा रहे हैं हाथी पथरा देखने। वो अच्छा लोकेशन है क्या अभी? अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा। अच्छा खदान में मच्छी वच्छी भी रहते हैं। अच्छा यहाँ मच्छी वच्छी भी सब पकड़ते होंगे, भयानक। तो भैया से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, भैया लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ जब हम लोग आए तो भैया लोग यहाँ बैठ के नहा वहा रहे थे। चलिए भैया के साथ चलते हैं आगे, चलिए। इस तालाब को खदान बोलते हैं। ये हाथी पत्थरा था, इसमें मतलब इस पत्थर से हाथी था, क्या था भैया? हाथी पत्थर था लेकिन बारूद लगा के इसे फोड़ दिया। अच्छा ये हाथी पत्थर था, ये अगर देखेंगे ध्यान से तो ये हाथी का सूंड ऐसे आपको निकला हुआ दिखेगा, ये देखिए ये चेहरा ऐसा सूंड निकला हुआ, लेकिन इसको बारूद लगा के फोड़ दिए ना भैया। कौन फोड़ा था भैया इसको? ये खदान वाले लोग। अच्छा के लिए। अच्छा खदान वाले लोग इसको पत्थर के लिए, इस मतलब हाथी अपने से बना हुआ था ना ये? अपने से बना हुआ था, अपने से बना हुआ था। और प्रकृति के देख खदान वाले यार तोड़ दिए, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो हाथी का ऐसे पीछे पेट और ऐसे सिंह सामने दिखेगा। ये देखिए इसको बम लगा के बारूद लगा के फोड़ दिया यार। हट चंदन वंदन सब लगा था, ऐसे बैठ के टाइप लेन दिए तो मस्त आएगा। ये देखिए देखिए ये मुंह था, ये ऐसे जैसे हाथी का निकले रहता है ये जीभ, ये सूंड, ये फेस में ऐसे लगा हुआ था, ये पेट में, इसको बारूद लगा के फोड़ दिया यार। देखिए ना अच्छा था, भैया लोग बता रहे थे। कितना साल हो गया भैया इसको फोड़े? इसको कम से कम करीबन 8 साल। 8 साल हो गया ना, ये तो पहले बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा बताइए, 2003 से काम चालू था, तो पहले बीज को खाना, फिर इसको भी तोड़ दिया। ओहो इसको भी तोड़, गांव के लोग मना किए थे, तो ये कुछ काज बचा फिर। चलिए सही है। देखिए ये जगह तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो यहाँ जरूर आइए। अरे यार गुटलू कहाँ गया? गुटलू गुटलू, अरे अरे गुटलू सुन क्यों नहीं रहा? चलिए तो गुटलू के पास चलते हैं। बाबू खाना खाया? तेरे को बोला हूँ ना खाना खाने के लिए, मम्मी काहे परेशान कर रहा है बार बार, तेरे को सारे पानी में डुबो डुबो मार लूंगा। चल रख फोन, तू क्या वीडियो बना रहा है भैया? किससे बात कर रहा था गुटलू? मैं अपने बाबू से बात कर रहा हूँ। आय तेरा बाबू भी है? कहा नाम है बाबू भी है? कहा नाम है बाबू का? बाबू नाम है उसका। आय बाबू, ठीक है भाई, बाबू से बात कर, मैं वीडियो बनाता हूँ। बाय भाई। अरे यार ये गुटलू तो अपनी बाबू से बात कर रहा था यार, बड़ा काम कर रहा है वो, देखिए चुपचाप बतिया रहा है। इसकी भी बाबू नाम पूछे तो बोलता है बाबू। ठीक है जरूरी है सब चीज, लेकिन ये इस उम्र में नहीं करना चाहिए, थोड़े बड़े हो जाओ फिर करना। तो चलो मैं और आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ इस जगह को, उधर चलते हैं अपन थोड़ा सा। गांव का नाम है सेला, अगर आप बिलासपुर के हैं तो यहाँ ज़रूर आइए सेला गांव में, ये आपको दिखने मिलेगा। और हाँ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बरसात टाइम आइए, अभी तो पानी का उतना कोई मज़ा नहीं है। और अगर इस पत्थर का मज़ा लेना है तो वो अभी है, और बरसात टाइम ये पत्थर पूरा पानी से ढक जाता है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, गाँव वाले भैया ने बताया पूरा पानी यहाँ तक आ जाता है, तो केवल आपको पानी का मज़ा मिलेगा। और अभी आप गर्मी में आएंगे तो आपको पत्थर वत्थर फोटो शूट भी कर सकते हैं आप, ये सेला गाँव में है। अगर आपको कभी घूमने का मौका मिले या कुछ करने का मिले तो यहाँ जरूर आइएगा। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, गुटलू भैया गाड़ी चला रहे हैं।
ये मैं आलू चिप्स लाया हूँ और अमिताभ जो है मेरे को घूर घूर के देख रहे हैं। तो पूछता हूँ आप घूर घूर के क्यों देख रहे हो यार, खाना तो बताओ मैं खिला दे रहा हूँ, ऐसे घूर घूर के मत देखो भैया डर लगता है। अरे भैया अमिताभ भैया खाना तो बताओ, लो लो खा लो, नहीं खा लो आप ऐसे घूर के देख रहे हो कैसे कैसे दिख रहे भैया। आप बस करो भैया यार, ऐसे कूल डाउन भैया यार, ऐसे गुस्सा नहीं करते भैया, नॉर्मल भैया चिल चिल भैया चिल, ऐसे गुस्सा नहीं करते भैया नॉर्मल। ये लो खाना है तो लो ना भैया, ए लो भैया खा लो, लो खा लो, नहीं पूरा पूरा ले लो भैया, लो पूरा ले लो आप, ले लो भैया ले लो, लेकिन ऐसे गुस्सा मत करो यार, लगता है यार ऐसे मत किया करो। अरे भैया अभी भी देख रहे हैं, मैं मुड़ जाता हूँ। अरे अरे इधर इधर सॉरी भैया सॉरी यार, एक काम करते हैं मिटान भैया हो गए गुस्सा, वीडियो को ही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टन 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 बजा देना। बाय बाय।